यहाँ पर आप हैं जिनके बारे में पूछ रहे हैं, ये अष्टभुजी योग माया है। श्रीमद देवी भागवत, श्रीमद् भागवत और दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय में एक श्लोक है कि नंद गोपे गृह जाता है यशोदा गर्भ संभवा तथास्तव निश्यामी विंध्याचल निवासिनी विंध्य स्थान विंद्रल्याम विंध पर्वतवासिनीम योगिनीम योग माया त्वाम चंडिकाम प्रमा। यह योग माया है, ये अष्टभुजी योग माया के रूप में जानी जाती हैं और यह कृष्ण की रक्षा करने के लिए अवतरित ली थी और यह विंध्याचल पर्वत पर श्रीमद् देवी भागवत में है। पराशर मुनि को उन्होंने स्वप्न में कही थी कि मेरी छाया यहाँ आ गई है, आप मेरा आकर दर्शन करो। और यहाँ तीन देवी हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, अष्टभुजी योग माया के नाम से लोग जानते हैं। इनका त्रिकोण करने से एक दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करने का फल मिलता है वो होता है, विंध्य विकास महात्म्य में दिया हुआ है। यही योग माया अष्टभुजी है। इसलिए जानते हैं कि देवकी के गर्भ से तो ये अवतरित नहीं ली, लेकिन इन्होंने नंद जी वहाँ पहुँचाए और इस कन्या को यहाँ ले आए, इस आधार पर लोग कहते हैं कि कृष्ण की बहन है। यह योग माया का ही तो शाब्दिक अर्थ दूसरा होता है। योग माया जब हो गई तो वह उससे भी परे हो गई, वो अलौकिक शक्ति है, वो शक्तिपीठ से भी अलग हो गई। कि अष्टभुजी ये जो कन्या थी, जब कंस पटकना चाहा तो ये आकाश में उड़ गई और आठ भुजा की हो गई और वहीं आकाशवाणी की कि कंस तुमको मारने के लिए कृष्ण अवतार ले चुका है और मैं विंध्याचल पर्वत पर निवास करूँगी, इसीलिए इनको अष्टभुजी कहा जाता है। कंस जैसे पटकना चाहा तो वहाँ से छूट गई, आकाश में चली गई और अपनी जो अष्टभुजा दुर्गा का प्रारूप है, जो स्वरूप दिया दिखाया और कही कि कंस तुमको मारने के लिए कृष्ण अवतार ले चुका है और मैं विंध्याचल पर्वत पर निवास करूँगा। श्रीमद् देवी भागवत में इसकी पुष्टि है, लिखा हुआ है और पराशर मुनि को उन्होंने स्वप्न में दी। हमें ही कंदरा है ना, अब जहाँ भी शक्तिपीठ में जाएँ या जहाँ भी प्राकृतिक जाएँ, अलौकिक शक्तियाँ तो सारी गुफाएँ में ही हैं। ये कब का कैसे हैं, ये पतालपुरी काली हैं, लेकिन ये योग माया जो है पूरे भारतवर्ष में यही एक मंदिर है, नेचुरल प्राकृतिक यही एक मंदिर है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम तो डॉक्टर पुरुषोत्तम पांडे है, लेकिन मुंगेरी बाबा सिंगारिया के नाम से लोग जानते हैं। सर्व मंगल मांगली श्री शिवासादि के सड़े तंबे गौरी नारायण नमः जय मां। प्रसाद दक्ष हुए के दब हम रोक रही देर लगे दब जय माता आपके ध्यान से श्री जी का पूजा स्वीकार कर माता बताएगा फिर जाते जाते बांधे में नहीं है वो डालने में। भैया गुप्ता जी अधिकार प्रमाण बन जाए माँ भक्ति गांव में लगे आपों के नाम से बिल्कुल माई की पूजा में बिंदा स्थान बिंदा ले आम बिंदा पर्वत वासी में इस संबंध में माई सिंगार में लगे जय माई मनोरथ के पूरा काम रचिया लोग क्या नाम दक्षिणा बिरेंद्र जय माई बिरेंद्र परिवार आरती पूजा क्या करो कल्याण पूजा करो जय जगदम्बा।
चारों दिन सर यही सीता कुंड मार्ग। अच्छा अच्छा सीता कुंड जी जी इधर से आके आपको अनुभूति हो जाती है, इंडिकेट कर देती है आपको, इंडिकेट मीन आपकी आत्मा। तो उसको क्यों नहीं कहे, क्यों नहीं देगी, क्या नहीं कृपा है? तो ऐसे सब लोग चले जाते हैं, हम रात में जा रहे हैं, गर्मी बरसात में यहाँ पड़े रहते हैं। सब परिवार आए और सभी जने यहाँ पे अच्छा दर्शन किए। पहले इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद से फिर सिद्धेश्वरी माता और अभी यहाँ पे आ गए। इसके पहले मैं आया था तो सिद्धेश्वरी तक के पहुँचा था। अभी इस बार लोगों ने बताया मेरे को कि अष्टभुजा माता बहुत अच्छी है भाई, इसीलिए हम यहाँ पे उसके दर्शन के लिए आए हैं। क्या अच्छा लगा, क्या याद रहेगा आपको यहाँ से जाने के बाद, सबसे अच्छी चीज़ याद क्या लगी? सबसे अच्छा यानी यहाँ पे बहुत बड़ी शक्ति है, इतना मेरे को महसूस हुआ है। इधर है हर मार वाले जी रुकाम, इधर है जो भी है जन्म दर्शन किया, जो दर्शन किया हाथी है जो करके आसान मंदिर इधर है इधर है। मैं तरुण राय डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से आया हुआ हूँ माँ अष्टभुजा के दरबार में। जो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिली, माँ की शक्ति तो है, उसके साथ साथ प्राकृतिक जो नेचुरल ब्यूटी जो है यहाँ पे काफ़ी दिल को और आत्मा को बहुत सुकून और शांति दे रही है। एक तो एक लगता है कि हाँ वास्तव में यहाँ शक्तिपीठ का कोई वास है, जिसकी वजह से हम लोग इतना जो जीवन का आपाधापी है, भाग दौड़ है, उसके बीच में जो समय मिलता है हमें, चंद एक दिन का, आधे घंटे के, दो घंटे के, जो भी समय मिलता है, उस समय में ही जो सुकून मिलता है वो तो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। वाकई यहाँ बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है, उसके साथ साथ बहुत शांति भी है यहाँ पर। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आकर के, खास करके हम तीन दोस्त आए हुए हैं, मैं हूँ, मेरे मित्र हैं राहुल सिंह जी और एक मेरे दोस्त और हैं शुभम राय जी, लोग तीनों लोग आए हुए हैं और आजमगढ़ से, और बड़ा अच्छा लगा करके यहाँ पे।